पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर एक दिवसीय दौरे पर उज्जैन आए और उन्होंने बाबा महाकाल के मंदिर में जाकर पूजा अभिषेक कर आरती की। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर एक दिवसीय दौरे पर उज्जैन आए और महाकाल मंदिर में दर्शन आरती का दुग्धाभिषेक किया। इसके पहले देवासोट स्थित सर्किट हाउस पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने मीडिया से बातचीत कर कहा, भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में पराजित हुई है। यदि सरताज सिंह जैसे लोगों को टिकट देते तो सरकार बना लेते। साथ ही कांग्रेस का किसान कर्ज माफी का कदम उन्होंने स्वागत योग्य बताया है। कांग्रेस की सरकार ग्रुप की सरकार है, हमारे ग्रुप को इतने सीट मिलना चाहिए, हमारे ग्रुप को ये विभाग मिलना चाहिए, ये उनका खानदानी रिवाज है। ये पार्टी ऐसी ग्रुप में ही चलती है, ये अंदर से तो एक नहीं है, बाहर से भी एक नहीं है। कोई इस्तीफा नहीं देंगे, ये तोल भाव कर रहे हैं कि हमको अच्छा विभाग मिले या हमें अच्छा मंत्री का कार्यभार मिले, कोई नहीं देगा। क्योंकि अगर सरकार में से इस्तीफा देते हैं या पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो नया चुनाव होगा और नया चुनाव भी लड़ने की किसी को हिम्मत नहीं है। देखो, कोई भी अपने घर आता है तो शराब नहीं देते उसको, उसको कल्याण हो, उसका भविष्य उज्ज्वल हो, आनंद से रहो, यही कहते हैं ना। अगर आप मेरे घर आएंगे, आशीर्वाद मांगेंगे तो मैं आशीर्वाद ही दूंगा ना। नहीं देखिए, वो चुनाव अलग प्रकार का होता है, ये स्टेट का चुनाव है। जैसे आप नगर निगम का चुनाव होगा तो उसमें वोटर नगर निगम को मैं कैसे पार्षदों का भेजना है, उस प्रकार का विचार होता है। और जब राज्यसभा का होता है या तो अलग चुनाव होता है, दिल्ली में राज्यसभा का मेंबर कौन जाना चाहिए। अब जब विधायक का होता है तो स्टेट में कैसी सरकार बनना चाहिए, अब दिल्ली में कैसी सरकार बनना चाहिए, तो उस प्रकार का चुनाव होगा। और उस चुनाव के अंदर अभी तक की जो स्थिति है, प्रधानमंत्री जो भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, उन जैसी शख्सियत का कोई भी अभी नेता भारत में नहीं है। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में जो बीजेपी हारी है आपकी नज़रिए से? ओवर कॉन्फिडेंस, हम तो जीते हुए हार गए। दो चार को और टिकट दे देते, जैसे कुशवरिया जी को दे देते तो दो तीन सीटें जीते, सरदार जी को दे देते, हमको भी तो बड़ी मुश्किल से मिला टिकट। मैंने कहा वहाँ सभी शेडो मुख्यमंत्री हैं, ज्योतिराव जी अलग शेडो मुख्यमंत्री हैं, कमलनाथ तो मुख्यमंत्री हैं ही, दिग्विजय सिंह जी भी अलग शेडो मंत्री, इतना बड़ा बहुमत है हमारे पास, 109 मेंबर हैं। सरकार को तो अंगूठे के बल खड़ा कर देंगे अगर गलत काम करा तो। क्या कमलनाथ जी 5 साल एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चला पाएंगे, ये तो भविष्य बताएगा। क्योंकि वो बड़े मार्जिन पे सरकार चल रही है, मार्जिन बहुमत का बहुत कम है, 114 है और 2-3 लोग अन्य हैं, तो मार्जिन पर हैं। अब इनको मार्जिन के ऊपर इनको कंट्रोल करने की अगर उनमें कला है तो 5 साल चला पाएंगे, अगर कला नहीं है तो जय श्री राम हो जाएगा। कर्ज माफी जो की उन्होंने, उसमें मैं उसका स्वागत करता हूँ। अच्छा कदम।